बायोग्राफी ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे। वे एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री, महान विद्वान व विचारक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 सालों तक भारत में शासन किया था। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हिंदू नहीं थे बल्कि सरदार थे। राजनीति में आने से पहले मनमोहन जी सरकारी नौकरी किया करते थे, जहाँ उन्हें काम करने के लिए बहुत ही सारे सम्मान मिले जा चुके थे। कुछ समय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ राजनेता बनने का सोचा। इसके बाद उन्होंने अपने शासनकाल में भारत की आर्थिक संस्कृति को क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए उनके इस योगदान की वजह से उन्हें भारतीय वित्ती का वास्तुकार भी कहा गया है। मनमोहन जी विनम्र, नैतिक व महान नैतिक मूल्यों वाले इंसान हैं। मनमोहन सिंह जी की प्रतिभा व नेतृत्व कौशल को पूरी दुनिया भली भांति जानती है। यही वजह है कि उन्हें लगातार 2 बार प्रधानमंत्री चुना गया। उनके काम व प्रतिभा को दुनिया के हर कोने में सराहा गया। शुरुआती जीवन के बारे में अगर हम बात करें मनमोहन जी के बारे में, तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गांव पंजाब, अब वो पाकिस्तान में आता है, वहां हुआ था। इनका जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद इनकी दादी ने इनको पाला पोषा था। बचपन में ही मनमोहन जी इतने तेज दिमाग के थे कि उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था। इस वजह से हर क्लास में टॉप करते थे। आज़ादी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके परिवार को अमृतसर आना पड़ा। आगे की पढ़ाई मनमोहन जी की यहीं से हुई। यहाँ के हिंदू कॉलेज में उन्होंने दाखिला करा लिया। ग्रेजुएशन के लिए मनमोहन सिंह जी चंडीगढ़ गए, जहाँ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर वे पंजाब यूनिवर्सिटी व दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। 1958 में उन्होंने गुरुशरण कौर से शादी कर ली, जिससे उनको 3 बेटियां उपिंदर, अमृत व दमन हैं। उनकी बेटी उपिंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर हैं। दूसरी बेटी अमृत अमेरिकन सिविल लिबर्टी में काम करती है। तीसरी बेटी दमन एक हाउसवाइफ है जिन्होंने आईपीएस ऑफिसर से शादी की है। उन्होंने बहुत सी बुक भी लिखी है। 1971 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, जहाँ वे कॉमर्स मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए। भारतीय सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट में उनको काम मिल गया, जहां उन्हें टॉप ग्रेड ऑफिसर का सम्मान भी मिला। आइए जानते हैं मनमोहन जी के करियर के बारे में। 1991 में मनमोहन सिंह जी के सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। इस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए थे। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रालय में मनमोहन सिंह जी को 21 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, जहां वे कॉमर्स मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए। भारतीय सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट में उनको काम मिल गया, जहां उन्हें टॉप ग्रेड ऑफिसर का सम्मान भी मिला। आइए जानते हैं मनमोहन जी के करियर के बारे में। 1991 में मनमोहन सिंह जी के सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा। इस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए थे। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रालय में मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बना दिया। इस समय भारत बहुत बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था। मनमोहन सिंह जी ने देश के अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कई देशों के दौरे किए। उन्होंने सबसे पहले सत्ता में आते ही लाइसेंस राज नाम की घोषणा को बंद कर दिया। इसके अंतर्गत किसी भी बिजनेस में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह योजना से कई प्राइवेट फर्म को फायदा मिला। उन्हें स्वतंत्र बनाने से देश की काफी ज्यादा आर्थिक सहायता मिली। 1998 में मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1998 से 2004 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो साल 2004 में उन्होंने आम चुनाव में यूपीए सरकार की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उस समय मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे। बहुत कम भारतवासी उन्हें जानते पहचानते थे। राजनीति में साफ छवि रखते थे। उन्होंने कभी गंदगी राजनीति नहीं खेली, जिस वजह से हर भारतवासी ने उनके दिल को अपनाया। 22 मई 2004 की बात है, मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उस पद को संभाला। एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया और उस समय मंत्रालय का काम अपनी देखरेख में रखा। अपने वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ मिलकर उन्होंने देश का मार्केट व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। सन 2007 में भारत की हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की ग्रोथ 9% बढ़ गई।
जिसके साथ भारत दुनिया का दूसरा नंबर अर्थव्यवस्था ग्रोथ वाला देश बन गया। मनमोहन जी प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सी योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्र ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए मनमोहन जी की देश विदेश सभी जगह बहुत सराहना हुई। मनमोहन जी की सरकार के पहले देश में शिक्षा के हालात बहुत खराब थे। मनमोहन जी ने शिक्षण क्षेत्र में सुधार किया और उनकी मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।